सरकार में बैठे हुए लोग या बीपीएससी के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी संलिप्तता से ही ये पेपर लीक हुआ है। कि पेपर लीक का ये दायरा कितना बड़ा है, क्योंकि एंसर शीट जो है वो एडमिट कार्ड के पीछे छपा हुआ है। अभी तक आपने रद्द करने की घोषणा क्यों नहीं की? बड़ी मछलियां हैं, उनकी गिरफ्तारी कैसे होगी, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। देश के लिए पेपर लीक मामला एक आम हो गया है। बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा था उसका पेपर लीक हो गया, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन बिहार का जो कहे जाए बीपीएससी एक प्रतिष्ठित संस्थान है और इस तरीके से पेपर लीक हो तो सवालों में तो लाजमी उठना है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने संदीप सौरव जी हैं। संदीप जी, किस तरीके से देख रहे हैं पेपर लगातार बिहार? पूरे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है और लाखों युवाओं के लिए बहुत हतोत्साहित होने वाली बात है। ये जिस आनंद फानन में इस बहाली को लिया गया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि लोकसभा से पहले हम भी बहाली करवा सकते हैं, जब ये लोगों को लग गया, जनता में ये मैसेज चला गया, अभ्यर्थियों को ये एहसास हुआ कि महागठबंधन की सरकार रहेगी तो प्रॉपर तरीके से बहालियां होंगी। अब जब एनडीए की सरकार बिहार में आ गई तो इन लोगों ने पहले तो घोषणा किया था कि अगस्त में लेंगे इस बहाली को। आप लोगों ने भी चलाया होगा उस चैनल पे अपने खबर को। अगस्त में बहाली होनी थी, मार्च अप्रैल में एसटीईटी होना था। अब बगैर एसटीईटी लिए हुए सरकार ने अचानक से बहाली निकाल दी कि बहाली का फॉर्म भरिए। जो अभी के स्टूडेंट हैं जो इनको एसटीईटी देना था, जो अपीयरिंग है, उनको तो नुकसान हुआ ही। तो आनन फानन में एक तो बहाली नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात इसमें ये कि पेपर लीक का ये दायरा कितना बड़ा है, क्योंकि एंसर शीट जो है वो एडमिट कार्ड के पीछे छपा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि कोई बड़े अधिकारी का अगर संलिप्तता इसमें नहीं होगी तो ये होगा नहीं। कोई जो 300 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने तो जाकर के ऑफिस से तो पेपर निकाला नहीं है। सीधा मतलब है कि सरकार में बैठे हुए लोग या बीपीएससी के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी संलिप्तता से ही ये पेपर लीक हुआ है। इसलिए जो 300 बच्चे अरेस्ट हुए हैं उनका तो ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़ी मछलियाँ हैं, उनकी गिरफ्तारी कैसे होगी, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात कि जब आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया है कि पेपर लीक हुआ है तो अभी तक आपने रद्द करने की घोषणा क्यों नहीं की? यानी अभ्यर्थी अपने ही साथ हुए नाइंसाफी को, जिसको सरकार भी मान चुकी है, उसमें न्याय के लिए सड़क पर उतरेंगे, ये सरकार चाहती है। इसलिए सरकार तत्काल बहाली को रद्द करे, इस परीक्षा को रद्द करे, दूसरी परीक्षा ले और जो बड़ी मछलियां हैं उनको अरेस्ट करे। साथ ही साथ जो लाखों का इसमें व्यापार हो रहा है उसको देखते हुए जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, जो दूर दराज से आकर के अपना भाड़ा गाड़ी से आए, उन्होंने पैसा खर्च किया, उनको सरकार मुआवजा दे। आखिर आप कह रहे हैं बड़े मछली गिरफ्तार हो, बड़े मछली पे तो कार्रवाई नहीं होती है, छोटे जो लोग हैं उसमें कार्रवाई? यही भाजपा जदयू का चरित्र है। सरकार अगर जो भी संवेदनशील रहेगी, जो अभ्यर्थियों के प्रति जिनका नज़रिया संवेदनशीलता वाली नज़रिया होगी, वैसे लोग निश्चित तौर से जो रूट है, जो गंगोत्री भ्रष्टाचार का है, उसको गिरफ्तार करेगा। आपको लग रहा है कि अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करने से न्याय मिल जाएगा? अभ्यर्थी जाकर के पेपर निकाल करके लाए थे बीपीएससी के ऑफिस से, पेपर निकाला कौन? इसलिए मामला बहुत संगीन है, इस पर प्रॉपर तरीके से जांच हो। हम तो सीबीआई की जांच अब मांग करते नहीं हैं, क्योंकि सीबीआई तो ऑलरेडी बीजेपी के जेब में चला गया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आप लोगों ने सुना ही होगा कि सीबीआई और ईडी का छापा पड़ता था, बदले में कॉरपोरेट चंदा बीजेपी को देते थे, छापा हट जाता था। तो इसलिए सीबीआई की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उच्च स्तरीय जाँच इस पर प्रॉपर तरीके से हो, कड़ी कार्रवाई हो और एक ठोस नियम सरकार बनाए ताकि पेपर लीक फ्यूचर में ना हो। अच्छा, पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं कि उसको रद्द कर फिर से एग्जाम दिया जाए, अगर नहीं हो लेते तो आप क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप सवाल हमेशा करें। निश्चित तौर से अगर सरकार इस बहाली को रद्द नहीं करती, इस परीक्षा को रद्द नहीं करती है, तो सिर्फ पटना में नहीं बल्कि बिहार के हर जगह पर अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे और हम लोग भाकपा माले महागठबंधन पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के साथ खड़ा रहेगा, हम लोग सरकार से लड़ेंगे। चलिए, साफ तौर पे विधायक संदीप सौरभ थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो एग्जाम जो बीपीएससी पेपर में जो लीक हुई है उसमें अगर जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही साथ पेपर जो है उसको रद्द कर देना चाहिए, फिर से बहाली लेनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होती है। पटना से न्यूज़ बैस्कोप के लिए विवेक रंजन।